अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मैं एक बुक पे रिव्यू दूंगा। रिव्यू से पहले मैं पाकिस्तान में जो जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके गुमनाम सिपाहियों के लिए एक खराजी अकीदत पेश करना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी जान पे खेलते हुए मुख्तलिफ मौक़ों पे मुजरमों को कैफे किरदार तक पहुँचाया। आज मैं जिस किताब को इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ उसका नाम है माखूर। पाकिस्तान का माखूर एक कौमी जानवर है, उसके नाम पर एक इस बुक का नवान रखा गया है। यहाँ आगे चलने से पहले कि मैं आपको राइटर का ज़रा मुख्तसर सा तारुफ़ करवा दूँ। राइटर है हमारी फ़ाहिका कमर। फ़ाहिका कमर का ताल्लुक शहर इकबाल सियालकोट से है। फ़ाहिका कमर ने एमए एजुकेशन की डिग्री ले रखी है और इसके साथ निम्स यूनिवर्सिटी से फैसलाबाद के ज़िले तहत इंग्लिश लैंग्वेज का भी डिप्लोमा कर रखा है। बतौर उस्ताद अदीब अतवाल कहानी नवीस तबसा निगारी मसाबकारी के मैदान में खूब अपने जौहर दिखा रही हैं। पाकिस्तान भर के कौमी व मकामी अखबारात में इनके मज़मीन शाये होते रहते हैं। पाकिस्तान ना सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की सतह पर यानी भारत लंदन हाईलैंड नेपाल तक शाये होती रहती हैं। पाकिस्तान की मशहूर वेबसाइट हमारी web.com और प्रतितली जो urdu.com है, जो भारत में खूब जिसको शोहरत है, तो उसमें भी लिखती रहती हैं। मुल्क के मरूफ रसाइल बरए अतफाल, बच्चों की दुनिया, बच्चों का बाग, पैगाम, मुस्लिम बच्चे, बच्चों का मैगज़ीन, बच्चों का तंजील और शाहीन इकबाल डाइजेस्ट वगैरह में ये अक्सर इनकी तसनीफ़ात शाया होती रहती हैं। इनकी हाल ही में रिसेंट में 4 पॉकेट साइज के अलावा बच्चों के लिए एक किताब अनमोल खजाना भी शाया हो चुकी है। ये है राइटर का मुख्तसर जायज़ा। अब मैं बताता हूँ कि इस बुक में जो माखूर है दो बहादुर लड़कियों की कहानी है और ये इंस्पायरेशनल स्टोरी है जो राइटर मुसनफा ने कोशिश की है कि ऐसी खवातीन को जो जो पसमानदा है या उनके जहन में जो है जहन में जो मुख्तलिफ कहानियाँ गर्दिश कर रही होती हैं उनके बिर्द घूमती ये कहानी है और उनको मजबूत बनाने के लिए, उनको वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बेहतरीन नावल है। मेरे हिसाब से जितनी जो इसकी जो बीच में जो कहानी है वो जो है खवातीन को जो है मोटिवेट करती है को उनको तमाम जराइम पेशे अनासर को उनको गिरफ्त में लाने के लिए वो भी अपना मफीद और अफाल किरदार अदा कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर बुर्दा फिरोशों को कैफर किरदार तक पहुँचाने के लिए दो मजबूत और बहादुर खातून पर लिखा गया ये नावल मेरे नज़र में एक बेहतरीन नावल है। मुसनफा ने इससे बेशतर मुख्तलिफ मौजूदात पर भी कलमकारी का मुजाहरा कर चुकी हैं। इसके अलावा जो किताब सिलसिला नंबर 1 है वो जो उर्दू सराय उर्दू अरबी फोरम ने पब्लिकेशन की जानिब से जारी हुआ उस पर मुसनफा की कुतुब बीनी पर भी मुख्तलिफ कुतुब जो है जो है मार्केट में आ चुकी हैं। तो कारीन को चाहिए कि वो उनको खरीद कर पढ़ें ताकि अपने इल्म में इजाफा फरमाएँ और मज़ीद हमारे जो है मुल्क को अपनी सलाहियतों से जो है रोशनास कराएँ। तो ये था किताब का मुख्तसर जायज़ा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतने, खुदा हाफिज़।